देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते 21 दिनों का लॉकडाउन हो चुका है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए ये एक बड़ा लॉकडाउन है। हालांकि दुनिया भारत के इस लॉकडाउन की ओर देख रही है, क्योंकि भारत का सफल होना दुनिया के लिए बड़ी बात होगी। जानिए भारत के लॉकडाउन के बेहतर रिजल्ट से दुनिया को क्या संदेश मिलेगा। इसे लेकर हमने इस बारे में उठने वाले सारे सवालों को सवाल जवाब के अंदाज में देने का प्रयास किया है। भारत की आबादी 130 करोड़ से ऊपर है। अगर देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलना शुरू होता है तो इसके रिजल्ट काफी घातक होंगे और इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भारत ने देश में कोरोना के असर को कम से कम करने के लिए लॉकडाउन का फैसला किया। इसे लेकर अलग अलग आंकड़े हैं। माना जाता है कि देश में पहला कोरोना पॉजिटिव 30 जनवरी को मिला, लेकिन कुछ का मानना है कि भारत में इसका तेज संक्रमण इटली से फरवरी में भारत आए पर्यटकों के चलते फरवरी के मध्य हुआ। हालांकि इन दोनों मामलों में मार्च के आखिर या अप्रैल के पहले हफ्ते तक भारत में कोरोना के वास्तविक संक्रमण का अंदाजा हो जाएगा। 21 दिनों के लॉकडाउन के कारण कोरोना का ज्यादा फैलाव रुकेगा। अगर विकिपीडिया पर दी जानकारी को माने तो इटली और भारत दोनों ही जगह कोरोना 30 जनवरी से 10 फरवरी के बीच पहली बार रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद 22 फरवरी तक इटली में इसके केस काफी बढ़ गए थे और मार्च के पहले हफ्ते तक वहां मौतों की झड़ी लग गई। उस हिसाब से भारत में कोरोना अब तक काफी नियंत्रित रहा है। आशंका के खिलाफ इसका फैलाव उस तरह अब तक नजर नहीं आया है। हमारे यहाँ 21 फरवरी तक कोरोना के करीब 80 मरीज थे। इसी दौरान पहली मौत हुई। बेशक इटली, स्पेन और भारत में कोरोना के शुरुआती संक्रमण लगभग साथ ही हुए, लेकिन वहाँ ये तेजी से फैला। भारत में अभी वो स्थिति नहीं है। हालांकि अमेरिका में इसका पहला मरीज फरवरी के बीच में पाया गया था, लेकिन मार्च के पहले हफ्ते से वहाँ बहुत तेजी से फैल गया। दुनिया के सभी 6 महाद्वीपों में ये फैल चुका है, लेकिन आम तौर पर ये दुनिया भर में मार्च के पहले हफ्ते में फैलना या पहुंचना शुरू हुआ है। इस लिहाज से पूरी दुनिया में अगले 21 दिन खास अहम होंगे। ये पता लग जाएगा कि दुनिया में इसकी स्थिति क्या है। भारत में भी कोरोना के मरीज मार्च के पहले हफ्ते में बढ़ना शुरू हुए हैं, लिहाजा असली तस्वीर मार्च के आखिरी हफ्ते तक साफ हो जाएगी। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि लॉकडाउन के बावजूद अप्रैल में वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। भारत में पूरी तरह लॉकडाउन का पालन नहीं करना खतरनाक हो सकता है। काफी हद तक ये कहा जा सकता है कि भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन का फैसला तभी कर लिया गया जब ये फैलना शुरू ही हो रहा था। लिहाजा भारत में अगले 21 दिन बहुत संवेदनशील हैं और इतने दिनों देश में कोरोना के वास्तविक मरीज सामने आ जाएंगे, लॉकडाउन से इसका फैलाव भी काफी हद तक रुक जाएगा। भारत में इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में बहुत ज्यादा टेस्टिंग शायद संभव भी नहीं है। जापान जैसे देश में भी टेस्टिंग को बहुत नियंत्रित रखा गया है। वैसे भारत में सरकार प्राइवेट किट और 12 प्राइवेट टेस्टिंग लैब की व्यवस्था कर चुकी है। देश भर में कोरोना के टेस्ट के लिए 15,000 कलेक्शन सेंटर्स हैं, लेकिन हकीकत ये है कि देश में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शायद ही हो पाए। लेकिन लॉकडाउन के दौरान काफी हद तक वो लोग सामने आ जाएंगे जो वास्तविक तौर पर संक्रमित हैं। ऐसे में सरकार उन ग्रुप्स या मिलने वाले लोगों की टेस्टिंग कर सकती है। हालांकि भारत के स्वास्थ्य सचिव अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमारे पास 1,00,000 टेस्टिंग किट हैं और जल्द ही हम और भी ऐसी किट्स का उत्पादन कर लेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में फिलहाल 30,000 वेंटिलेटर्स हैं, 800 अकेले मुंबई में ही हैं। इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत तो है, लेकिन ट्रैवल प्रतिबंधों के चलते तेजी से और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करना आसान नहीं है। सरकार की ओर से घोषणा हुई है कि विदेश से लौटने वालों का पूरा रिकॉर्ड उनके पास है। ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है या उन्हें खुद टेस्ट सेंटर्स पर आकर अपनी जानकारी देने को कहा जा रहा है। उनके घरों को आइसोलेट किया जा सकता है या फिर उन्हें क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा जा सकता है। सर गंगाराम अस्पताल के लंग सर्जन अरविंद कुमार ने एक इंटरव्यू में आशंका जाहिर की है कि इन्फेक्शन फैल रहा है और ये विस्फोट का रूप ले सकता है। उन्होंने कहा है कि आधिकारिक तौर पर घोषित किए गए नंबर अभी बहुत कम हैं। ये बढ़ेंगे। ये सही है कि भारत में गांवों-गांवों तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कस्बे से जिलों तक अस्पताल हैं।
साथ ही प्राइवेट अस्पताल भी हैं, लेकिन ये ढांचा पर्याप्त नहीं होगा। लॉकडाउन की स्थिति में भारत इसे दुरुस्त करना चाहेगा। पिछले दिनों बड़े पैमाने पर लोग अपने अपने घरों की ओर लौटे हैं। इसमें ज्यादातर श्रमिक हैं जो गांवों में अपने घरों में गए हैं। ऐसे लोग बड़ी समस्या बन सकते हैं। उसी तरह पैनिक बाइंग में लगने वाली भीड़ भी हालात बिगाड़ सकती है। ऐसे ही लॉकडाउन में बाहर निकलने वाले लोगों से भी समस्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।